हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज। तो आईएस 456 के अनुसार जो है नंबर ऑफ ग्रेड जो है 7 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। कौन कौन है? M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट। तो सीमेंट जो है बर्न किया जाता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर ऑफ। तो सेग्रीगेशन क्या किसे कहते हैं? सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम ईच अदर। तो ऑप्शन ए है वेटर मिक्स। अगर हाई वाटर सीमेंट रेशियो है तो सेग्रीगेशन का चांस ज़्यादा रहता है। ऑप्शन बी है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज। तो बड़ा साइज अगर एग्रीगेट है तो सेग्रीगेशन का चांसेस जो है मोर होगा। ऑप्शन सी है कोर्स एग्रीगेट। कोर्सर एग्रीगेट में भी जो है सो सेग्रीगेशन का चांस ज़्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग। कास्टिंग के बाद जो है सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग पे क्या होगा? तो एक्सपांड होगा, मिक्स होगा, श्रिंक होगा। तो ड्राइंग पे जो है कंक्रीट जो है श्रिंकेज होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। ऑप्शन ए है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, C3S एंड C2S। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एलुमिनेट, C2S एंड C3A। ये भी करेक्ट है। केमिकल एक्शन जो है वाटर के साथ हाइड्रेशन में इसके साथ भी होता है। ऑप्शन सी है ट्राइकैल्शियम एलुमिनेट C3A एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C3AF। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज़ ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, तो ये सारे के साथ होता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 मीन्स डैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डे इज। तो M15 ग्रेड कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा? तो 15 न्यूटन mm² या फिर 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरिंग इज। ऑप्शन ए है रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट प्रिवेंट करता है श्रिंकेज से। ऑप्शन बी है प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो प्रिजर्व करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को। ऑप्शन सी है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। क्यूरिंग जो है एक प्रोसेस है मेंटेनिंग मॉइस्चर कंटेंट, तो ये जो है लॉस ऑफ वाटर इवेपोरेशन से प्रिवेंट करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग का मीनिंग हो गया जैसे हम मिक्स करते हैं कंक्रीट को 1:2:4, तो ये क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन ए है डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। तो करेक्ट है कि स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी जो है डिजायर्ड देता है। ऑप्शन बी है डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कॉन्टेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, सही है। ऑप्शन बी है हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ सैंड। तो हायर वर्केबिलिटी का जो है में जो है सो कम सैंड होता है। अगर कोर्स एग्रीगेट बड़ा साइज का अगर सैंड एग्रीगेट अगर ज़्यादा हो तो उसका वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है और सैंड का जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी है इफ द कंक्रीट मिक्स इज ड्राई द स्लंप इज जीरो। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप डायमीटर बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ स्लंप मोल्ड आर। तो टॉप डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डायमीटर जो है स्लंप का
20 सेंटीमीटर होता और हाइट जो है 30 सेंटीमीटर होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ऑप्शन ए है सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर ए वर्केबल कंक्रीट। तो सेग्रीगेशन जो है नेसेसरी नहीं है क्योंकि सेग्रीगेशन जो है इफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे। ऑप्शन बी है कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो कंसिस्टेंसी जो है अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पर, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है इफ़ द स्लंप वैल्यू इंक्रीजेज वर्केबिलिटी डिक्रीजेज। तो स्लंप वैल्यू इंक्रीज करने के साथ वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्टोन का रेंज क्या होता है, तो इसका जो रेंज होता है 2.4 to 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं इंडेंट को, फ्रॉग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रॉग। ये जो है फ्रॉग, इसका ये जो है 1 से 2 सेंटीमीटर डीप होता है और इसका डायमेंशन जो होता है वो 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर होता है। ये जो है इसका मेन जो पर्पस होता है होल्डिंग द मोटर, ये जो है होल्ड करके रखता है मोटर, और ये जो है टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराकोटा इन बिल्डिंग इज यूज फॉर। तो टेराकोटा जो है यूज किया जाता है इंसुलेशन से, इंसुलेशन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंट दैट आर मोस्ट रेसिस्टेंट टू फायर आर इनेमल पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टस पेंट, सीमेंट पेंट। तो फायर रेसिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है एस्बेस्टस पेंट का। आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वाटर ऑन द फ्रेश कॉन्क्रीट इज नॉन एज। तो सेपरेशन ऑफ वाटर ऑन द फ्रेश कॉन्क्रीट इज नॉन एज ब्लीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेग्रीगेशन जो है किसको कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम फाइन एग्रीगेट और सीमेंट जो है उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। तो ये जो है मेनली 2 कारण से होता है, फ्री लाइम और मैग्नीशिया, प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम और मैग्नीशिया। तो साउंडनेस टेस्ट का जो है मेन पर्पस होता है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। साउंडनेस टेस्ट को पता करने के लिए जो है, फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड है, एक है ऑटोक्लेव मेथड और एक है ली चैटलियर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेम्पर इज यूज ऑन। तो डिस्टेम्पर जो है यूज किया जाता है प्लास्टर्ड सरफेस पे नॉट एक्सपोज टू वेदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टर्ड सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर।